हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब मेरे भाई बहन कैसे हो? और आपके ये महामारी वाली बीमारी तो सब कहीं चल रही होगी। तो आज हमने बनाई है मट्ठी, तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए आपको दिखा देती हूँ अभी। तो ये सबसे पहले ले लिया है मुझे, आटा ले लिया है मैंने, और इसको छान कर रख लिया। मैं मैदे की नहीं बनाऊंगी, आटे की बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये आटा लिया और इसमें डालूंगी मैं अजवाइन। सबसे पहले थोड़ी सी अजवाइन डाल लेती हूँ। अजवाइन को हाथ पे लेके इस तरह से थोड़ा सा मसल लेंगे। थोड़ा डाल देंगे नमक, एक चम्मच मैंने नमक डाला है। इसके बाद डालूंगा सरसों का तेल, क्योंकि हम रिफाइंड यूज नहीं करते हैं, हम तो सरसों का तेल यूज करते हैं हर चीज में। मैंने डाल दिया है तेल, और इसके बाद आटे को एक सर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे पूरे को। तो आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना के डर के मारे हम तो घर पर ही बना लेते हैं जो चीज़ बनानी होती है। और आज दुकानें भी बहुत कम खुलती हैं, तो सामान ला नहीं पाते। ये देखिए इस तरह से हो जाए। इसके बाद इसमें मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी, और एकदम सख्त गूंथना है आटे को, बिल्कुल टाइट टाइट रखना है ताकि हमारी अच्छी से कुरकुरी बन जाए। और ये आटा देखिए मैंने कर दिया तैयार, और चढ़ा देती हूँ पहले तेल। जब तक तेल गर्म होगा तब तक हम मठरी तैयार कर लेंगे। वैसे तो एक दो बार हम होटल से लेके आए थे, लेकिन अब की बार मैं घर पे ही बना रही हूँ। पहले पूरे आटे की इस तरह से बना लेते हैं, तब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है। और तेल को ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, ज़्यादा गर्म करोगे तो जल जाएगा। ये देखिए इस साइज में सारी बना लेंगे, और हमने पूरी की पूरी बना ली है। और अब इस सबको ऐसे चक्कू की सहायता से ऐसे छेद कर देंगे, ताकि ये बीच में से कच्ची ना रह जाए, अच्छी तरह से पक जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से किया। ये देखिए पास से दिखा रही हूँ ना, इसी तरह दोनों तरफ ही कर लेने हैं, और बिल्कुल ही कम आंच पे सेकना है ताकि ये जले ना और अच्छे से बीच में से भी पक जाए। तो आप इसे ये देखिए दोनों साइड कर दिए मैंने, और आप इन्हें काफ़ी दिनों के लिए रख भी सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। आप महीने भर के लिए भी रख सकते हो। जब आपका मन किया तो दो मठरी ली और चाय के साथ नाश्ता। तो मैं एक एक करके सारी इसके अंदर डाल दूंगी। और ये देखिए हमारा तेल अभी तक पूरा गर्म नहीं है, तो मैं इस तेल में ही डाल रही हूँ। और इनको सिर्फ मैंने हाथ से ही दबाकर बनाया है, कोई चकले बेलन की सहायता नहीं ली है। तो ये देखिए इस तरह से पूरी की पूरी इसके अंदर डाल देंगे, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी, जैसे बिल्कुल हम हलवाई से लेके आते हैं बिल्कुल वैसी की वैसी बन गई है। और गैस को मैंने बिल्कुल ही कम कर दिया है, थोड़ा सा हिलाऊंगी ताकि ये टूट भी सकती है। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है, बिल्कुल ही कम आंच रखनी है, आंच तेज नहीं करनी है। हमारी मठरी बन रही है, तब तक मैं बेटी के लिए दो रोटी सेक देती हूँ। बेटी कहती है मैं मट्ठी नहीं खाऊंगी, मैं तो दही के साथ ही रोटी खाऊंगी। तो मैंने बेटी के लिए बना दी है रोटी, और हम सब के लिए बना लिए मट्ठी, जो हम चाय के साथ खाएंगे। और आप सभी फ्रेंड आ जाइए, चाय पानी सब तैयार है, आपका इंतज़ार है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जो नई है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और ये देखिए ये मछली आपके लिए तैयार है, अभी तो बहुत गर्म है। अभी आपको एक मछली तोड़ के दिखाती हूँ मैं, हाथ से तो नहीं टूटेगी क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है। अभी अभी तो मैंने निकाली है, ये देखिए एकदम कुरकुरी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। और आप भी घर पे ट्राई करके देखिए बहुत अच्छे से। और जो चीज़ घर की होती है वो तो अच्छी होती है, आपको पता ही है, कोई मिलावट नहीं, कोई और नहीं। ये देखिए तीन परत वाली बन गई है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।